A very good morning, dear students. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalla, your computer teacher. Today, I am going to explain you your next topic of chapter number 6, that is moving the text box or placeholder. कैसे हम text box or placeholder को move कर सकते हैं? You can move the text box to any place on the slide. आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पे किसी भी जगह एनी प्लेस किसी भी जगह आप आसानी से मूव कर सकते हो. व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर एट द बाउंड्री ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, कैसे कर सकते हो? जब आप माउस के पॉइंटर को टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री पर, जो उसके बॉर्डर है, वहाँ पर लेके जाते हो, द पॉइंटर चेंजेस टू अ फोर हेडेड एरो. माउस का पॉइंटर एरो से किस में चेंज हो जाता है? फोर हेडेड एरो में चेंज. देखो, चारों तरफ इसके एरो बन गए हैं, इसमें चेंज हो जाता है. जैसे ही एरो इस फोर हेडेड एरो में चेंज हो जाए, जस्ट क्लिक करेंगे एंड ड्रैग दिस पॉइंटर, और आप क्या करेंगे, इसको लेकर खींचेंगे. द टेक्स्ट बॉक्स आल्सो मूव, जहां आप इसको लेकर जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स भी इसके साथ साथ मूव होगा. ड्रॉप द टेक्स्ट बॉक्स एट एनी प्लेस ऑन द स्लाइड, जहाँ पर भी आप इसको ले जाकर छोड़ना चाहते हो, वहाँ पर ले जाकर इसको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो. ऐसे वो क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगा. सेकंड टॉपिक है एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स टू अ लिस्ट. एक लिस्ट में हम बुलेट्स एंड नंबर कैसे यूज़ करते हैं? बुलेट्स क्या होता है, जब हम किसी भी पॉइंट में या किसी भी लिस्ट में डॉट्स लगा देते हैं. मैं आपको लिख कर बताती हूँ. लाइक हमने इस तरीके से लिखा एप्पल, फिर दूसरी बार लिखा बनाना, फिर तीसरी बार लिखा ग्रेप्स, या हम यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं, या हम यहाँ पर स्टार भी बना सकते हैं. तो जब किसी लिस्ट में हम इस तरह से डिज़ाइंस बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं बुलेट. और इसकी जगह जब हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, तो हमने 1 2 3 4 जब काउंटिंग हम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नंबरिंग. ओके, sometimes you need to separate the different points in a slide by putting bullets or number. कई बार आपको ज़रूरत होती है किसी भी points को bullets और number की हेल्प से अलग रखने की. तो किस तरीके से हम इसको use करेंगे, diagram में देखेंगे. Select the text you want to present as a bulleted list. उस text को select करो जिसको आपने bulleted list के रूप में select करना है, show करना है. Second, click on the bullets button in the paragraph group on the home tab. Home tab के अंदर यहाँ पर आपके पास given होते हैं bullets and numbering. ऊपर आपने यहाँ से क्या करना है, टू यूज़ बुलेट्स विद डिफरेंट स्टाइल, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एट दिस साइड एंड सेलेक्ट अ स्टाइल. अगर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस देखने हैं, तो इसके साइड वाले एरो पर क्लिक करेंगे, लिस्ट खुल जाएगी. यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपने लेना है, उसको सेलेक्ट कर लो. लाइक हमने ये वाला सेलेक्ट किया, द टेक्स्ट विल अपीयर एज अ बुलेटेड लिस्ट. तो इस टेक्स्ट के आगे देखो, ये बुलेटेड लिस्ट के जो नंबर्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे. इसी तरीके से इन द सेम वे यू कैन अप्लाई नंबर्स टू ए लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द नंबरिंग बटन. इसी तरीके से आप लिस्ट में नंबर भी दे सकते हो. कहाँ पर क्लिक करके? नंबरिंग बटन पर क्लिक करके. इसके आगे ही दिया होता नंबरिंग बटन. इस तरीके से नंबरिंग बटन खुल जाएगा. जो भी आपने यहाँ से नंबर का स्टाइल लेना है, वो ले लेना. आपकी जो काउंटिंग है, आपकी जो लिस्ट है, उसके आगे नंबर जुड़ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद आपके पास डिलीटिंग अ स्लाइड. यू कैन डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. आप अपनी प्रेजेंटेशन किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं. तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, यू कैन डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. आप अपने प्रेजेंटेशन से किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो. फॉर इट, इस ऐसा करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड्स. सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्लाइड्स टैब, स्लाइड टैब से एंड प्रेस द डिलीट एंड बैक स्पेस की. या तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो, या फिर कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबा दीजिए, तो वो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी. यू कैन ऑल्सो डिलीट मल्टीपल स्लाइड्स. आप एक से ज़्यादा स्लाइड को भी डिलीट कर सकते हो. ऐसा करने के लिए प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन आई टू स्लाइड्स टू सेलेक्ट ऑल द स्लाइड्स इन बिटवीन एंड डिलीट. आपने क्या करना है, शिफ्ट की को दबा कर रखना है और किसी भी दो स्लाइड्स पर आपने क्लिक करना है, ताकि सारी की सारी स्लाइड्स आपकी क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, या जितनी भी स्लाइड्स उसके बीच में सेलेक्ट हुई है, वो सेलेक्ट हो जाएँ, ताकि आप उसको डिलीट कर सकें. प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की वेल क्लिकिंग ऑन नॉन एडजेसेंट स्लाइड्स एंड डिलीट. अगर आपको लगातार स्लाइड्स को सेलेक्ट नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 1 को सेलेक्ट करना है, फिर 3 को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल की दबाएंगे और जिस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करते जाइए, वो स्लाइड आपकी सेलेक्ट होती चली जाएगी. नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करेंगे? सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल टैब. फाइल टैब पर जाएंगे. फाइल टैब के अंदर हम लेंगे सेव ऑप्शन. टाइप अ डिस्क्रिप्टिव नेम इन टू द फाइल नेम विंडो. यहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइल का नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी. नेक्स्ट देखेंगे हम व्यूइंग स्लाइड शो. किस तरीके से आप अपने स्लाइड को शो करके देख सकते हो.
When your presentation has been created, जब आपकी presentation पूरी बन जाए, it is time to show it in front of an audience. अब time आ गया है कि उसको audience के सामने present किया जाए. It is just like the pictures in photo album. जैसे photo album को हम दिखाते हैं दूसरों के सामने, वैसे ही हम अपनी presentation को भी दूसरों के सामने दिखा सकते हैं. It display all the slides in a presentation one by one on the screen. ये क्या करेगा, सभी slides को एक एक करके computer की screen पर दिखाएगा. Typically the view that plays your presentation in full screen mode is slide show. जिस view में आप अपने पूरी प्रेजेंटेशन को देखते हो उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो.